जैसे एक पेंशन की बात है, मैं इस मुद्दे पर कहना नहीं चाह रहा था, बट आपने बहुत क्लैरिटी लानी चाहिए। मैं क्या, जब चौधरी देवीलाल जी ने पेंशन शुरू करी तो पेंशन 100 रुपए थी और उसके अंदर भी आय सीमा थी 80,000 रुपए की, वो बढ़ी। और ये जो 2 लाख वाला जो लिमिट है, ये हमने नहीं लगाई, ये 2012 में हुड्डा जी ने लगाई, मगर विपक्ष क्या प्रचार कर रहा है कि हमने रोक दी। अब इस पर क्लियरिटी लेके आए, उन डॉक्यूमेंटेशन को भी हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे कि ये हमारा किया हुआ काम नहीं, ये भूपेंद्र हुड्डा का किया हुआ काम है। पर 8 साल में, मगर हाँ मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि अब हमारा सरकार की सोच ये होनी चाहिए, हमारे संगठन की तरफ से सरकार को यह दिया जाएगा कि सरकार, दुष्यंत जी हमारी पार्टी के जो नेता हैं, वो सरकार में रहकर के इस लिमिट को बढ़वाने के लिए आगे बढ़े। हमारा कितना आज वो 2 लाख है, कम से कम वो 5 लाख हो, 7 लाख हो या और ज्यादा हो, उसकी ओर हम काम करें। ये इसीलिए हम क्लियरिटी लाना चाहते हैं कुछ चीजों में, जो लोग बार बार सवाल उठा रहे हैं, स्पेशली इनेलो सवाल उठा रही है कि हमने पेंशन काट दी। इनेलो के उस समय 32 विधायक थे अभय सिंह जी के नेतृत्व में, क्या हुड्डा जी के शासनकाल में इनेलो ने एक दिन भी ये इसके लिए मुद्दा उठाया? क्या आज हम 10 लोग इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि उसको 5100 लेकर के जाएं और हमारा बस चले तो हम जो 15,000 कटी है, 15,000 छोड़ो कटनी, हम तो बनवाने वाले लोग हैं, मगर हम क्योंकि एक दोनों पार्टियों का सामन में है और मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत सरकार चल रही है।